वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे बेटा जो एम जे पी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो एम जे पी आर यू रोहलखंड का जो स्टूडेंट हैं उन बरेली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंटों के लिए क्या हुआ है कि जो कल है 9 अप्रैल को एक पेपर होने वाला है बी ए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, साथ ही साथ बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी पेपर होगा कल ही। तो बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैं थोड़ी देर में अपलोड करूंगा वीडियो को, और बी ए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जैसे ही पेपर होता है, जो भी आपके पेपर हो रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 70, ठीक है, 3732 और 78 और 38, आप इस नंबर पर तुरंत मैसेज कर देंगे जो भी दिक्कत आएगी। और जो आप जो फोटो उस आप जो आपका मतलब जो होने वाला है, जो आपका पेपर होने वाला है, उसको हमारे पेपर को फोटो खींच कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दे रहे हैं। और कोई भी इशू आ रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भी पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, तो आप हमारे इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिए या फिर हमें कॉल कर लीजिए। हम उसको कॉल को रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि यह इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने का क्या सही तरीका होता है वो हमने बता रखा है, पहले से मेंशन कर रखा है, आप उसको ध्यान से देखें। आज हम देखेंगे डिफेंस एंड स्टडीज़ के बारे में, जो रक्षा एवं स्वतंत्रता अध्ययन के बारे में, जिसे सैन्य अध्ययन के बारे में बोला जाता है। इसमें सैनिक मतलब जो हमारी मिलिट्री स्टडीज़ का जो पेपर हुआ करता था पहले, वही है, मिलिट्री स्टडीज़ वाला पेपर है पूरा, ठीक है, जिसमें हमें ट्रेनिंग के बारे में, मिलिट्री स्टडीज़ के बारे में, उनके युद्ध कैसे करें, आक्रमण कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के आक्रमण होते हैं, ये सब कुछ यहाँ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से रिलेटेड। तो आपको 2022 का जो आपका पेपर होने वाला है, मतलब कि कल, ठीक है, समझ रहे हो ना, कल आपका पेपर होने वाला है 9 अप्रैल को, तो आपको एक पढ़ के जाएंगे, ध्यान से देख लेना, जो आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखो बोला गया रक्षा एवं स्वतंत्र अध्ययन क्या होता है, मतलब कि कह सकते हैं जो डिफेंस होती है वो क्या है, स्टडीज क्या होती है, इसके बारे में, रक्षा क्या होती है, ठीक है, तो डिफेंस के बारे में, उसके बाद में जो स्ट्रेटेजिक अध्ययन होता है उसके बारे में आपको याद कर लेना है, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, महत्व क्या क्या है, आप ये क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे से। और बाकी आप ये देखेंगे कि जो आप युद्ध देख रहे हैं ना, युद्ध, ठीक है, युद्ध क्या होता है, जैसे युद्ध हम मान लो आक्रमण किसी ने किया, तो आपस में अभी देखो रूस और, ठीक है, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो वहाँ युद्ध की बात की जा रही है, युद्ध होता क्या है भाई, युद्ध की विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि युद्ध की विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे युद्ध के प्रमुख सिद्धांत, मतलब युद्ध जब हमने युद्ध देखेंगे, हम यहाँ जब युद्ध देखेंगे तो युद्ध में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है युद्ध करने की, मतलब आप ऐसे करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वो चीज़ हमें यहाँ देखने पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ कह रहे हैं आश्चर्य युद्ध को सबसे अधिक घातक कम माना जाता है, मान लीजिए एक अचानक से आश्चर्यजनक एक युद्ध स्टार्ट हो गया, जैसे अभी अभी कह सकते हैं जो रूस और यूक्रेन में हुआ है, वो घातक तत्व कब होता है, सबसे अधिक घातक कब होगा, जब मान ली आश्चर्य युद्ध का सबसे घातक जो तत्व होता है वो क्या होता है, आपको ये डिस्कस करना होता है। सबसे मतलब कोई आश्चर्य युद्ध हुआ, अचानक कोई से युद्ध होने स्टार्ट हो गया, तो उसमें सबसे घातक जो तत्व होगा वो कौन सा होगा, ये डिस्कस करने के लिए पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आक्रमण करो, अब देखो आक्रमण करो तो क्या होता है, आक्रमण करो का मतलब क्या होता है, अब कहते हैं आक्रमण करो किसी पर, क्या करना है, आक्रमण करना है, युद्ध करना है, ठीक है, ये फिर कार्रवाई करते हैं, आक्रमणात्मक कार्रवाई जो होती है, मतलब किसी पर अचानक आक्रमण करना, आक्रमण करो भाई, लड़ाई स्टार्ट हो गई, समझ रहे ना मेरी बात को, तो वो हमें देखना पड़ता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि आक्रमण करो क्या होता है, समझाइए। उसके बाद में आता है युद्ध राजनीति का एक साधन है, युद्ध जो है वो राजनीति का एक साधन है, ये स्पष्ट करना के लिए आपसे पूछता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करके जाएंगे। एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जिसे कहते हैं छापामार युद्ध, ये छापामार युद्ध क्या होता है, ठीक है, छापामार युद्ध क्या होता है, आप इसके बारे में डिस्कस करिए, और उनके प्रमुख तत्व और उनके विचार के बारे में आप देख लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। और एक होता है विप्लव विरोधी क्या होता है, विप्लव विरोधी का मतलब क्या होता है, विप्लव विरोधी, ठीक है, विप्लव विरोधी छापामारी विरोधी कहलाता है, और उसके आधारभूत तत्वों के बारे में आपसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम जाएंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या होता है, अब ये मनोवैज्ञानिक युद्ध भी आप देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या होता है, ठीक है, आप इसको देखें, इनके साधन के माध्यम, उनके उद्देश्य, उनके कार्यों के बारे में याद कर लेना है, ठीक है। और एक होता है आर्थिक युद्ध, एक मनोविज्ञान युद्ध हो गया, आर्थिक युद्ध हो गया, आर्थिक युद्ध कौन कौन से होते हैं, आर्थिक युद्ध में साधन क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस चीज से आर्थिक युद्ध में लड़ाई लड़ी जाती है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऐसे तरीके से, ठीक है। और वही बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखो भैया दोहन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट की संख्या देना है, ठीक है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे बहुत ज्यादा,
ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैयाधुन क्या होता है, ये उनके प्रकार, भैयाधुन के कितने प्रकार होते हैं, भैयाधुन युद्ध नीति, भैयाधुन एक है। अब भैयाधुन के, भैयाधुन ने युद्ध की नीति दी थी, भैया युद्ध जब भी लड़ो ना तो इस नीति से लड़ना चाहिए तब आप सफल हो गए। तो भैयाधुन की जो कह सकते हैं दोहन की जो युद्ध नीति थी वो कैसी थी, और उसकी समीक्षा यदि हम करेंगे तो किस तरीके से उसकी समीक्षा करेंगे, महत्व क्या थे, तत्व कौन कौन से थे, वो हमें याद देख लेना है। एक होता है रासायनिक युद्ध, रासायनिक युद्ध जानते हैं आप, रासायनिक युद्ध आप जानते होंगे, तो रासायनिक युद्ध को आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, रासायनिक युद्ध क्या होता है आप ये देखेंगे, और उसके प्रभाव के बारे में क्या क्या प्रभाव हो जाता है रासायनिक युद्ध से, ठीक है। और एक होता है राजनीतिक युद्ध, मैं ऊपर बता चुका हूं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, युद्ध स्तर और युद्ध चक्र, ठीक है, युद्ध स्तर और युद्ध चक्र क्या होता है आप ये डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहीं बात की जाए कुट, जो कुट योजना होती है, कुट नीति भी जिसे बोलते हैं, कुट योजना को कुट नीति के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको याद करें, कुट योजना को कुट नीति कैसे करेंगे, तो ये डिस्कस करने के लिए बोलता है, ठीक है, वहीं आप ये याद करेंगे। और देखो एक होता है समरतंत्र, समरतंत्र आप जानते हैं, समरतंत्र, ठीक है, अब समरतंत्र को आप अच्छी तरीके से देख लेना, समरतंत्र क्या होता है, ये समरतंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग, समरतंत्र होता क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछता है कि समरतंत्र क्या है। उसके बाद में आपको देख रहा है एक ये क्वेश्चन आता है जो होता है सीमित युद्ध और सीमित युद्ध, एक होता है शीत युद्ध एक होता है सीमित युद्ध, दोनों को देख लेना, ठीक है। और गोरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं, गोरिल्ला युद्ध शॉर्ट में आपसे पूछता है ये सब कुछ, नाकेबंदी के लिए बहुत ज्यादा पूछता है, नाकेबंदी पर टिप्पणी लिखी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीब शीत कह सकते हैं, शीत युद्ध का कारण क्या होता है, नीब शीत युद्ध का कारण क्या होता है, नवीन जिसे कह सकते हैं या फिर नवीन भी कह सकते हैं, शीत युद्ध आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि शीत युद्ध जो है और ये शीत युद्ध देखो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमसे नवीन शीत युद्ध की बात की जाए, नया शीत युद्ध होता है वो कैसा होता है, किस टाइप का होता है, ये हमसे पूछता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद में आता है, और एक होता है न्यू कह सकते हैं नाभिकीय युद्ध, नाभिकीय युद्ध को पढ़ लेना है, परमाणु युद्ध को अच्छे तरीके से आप देख लेंगे, परमाणु युद्ध के बारे में ये डिस्कस करेंगे और उनके प्रभाव के बारे में। और एक होता है कुलजी का युद्ध नीति के बारे में, ये आप देख लेना है, ठीक है, बस इतना है ओला, तरण युद्ध का समरतंत्र के बारे में छोड़ दीजिए, बस इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है 2022 के एग्जाम में जो आपका पेपर बन रहा है। आप इतने क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं तो आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको 85% मतलब कि आप टॉपर बनने वाले हो, आपसे टॉपर बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कि आपके बराबर कोई है नहीं समझ लीजिए, यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला जो बता रहा हूं वही पेपर में आएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।